तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव अपडेट दे दूं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की अपकमिंग कोरियन मूवी द मैच जो बेस्ड है ट्रू स्टोरी पर, जी हाँ गाइस, इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है और आपको ये मूवी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स इंडिया पे आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल जो अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको ये मूवी है वो हिंदी डब में मई तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मूवी अपनी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी है। और रिसेंटली ही कुछ अपडेट्स निकल के आ रही थी कोरियन मीडिया आउटलेट के मुताबिक कि इस प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए होल्ड में रख दिया गया है बिकॉज ऑफ इस सीरीज के जो वन ऑफ द कास्ट मेंबर है वो मल्टीपल टाइप ऑफ ड्रग्स लेने के कारण साउथ कोरिया में काफी कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। तो जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि इसका इफेक्ट इस प्रोजेक्ट पे पड़ने वाली है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली एनिमे लवर्स के लिए है। जी हाँ, लास्ट रिलीज भी द विच फ्रॉम मेलकुरी, इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है और इससे पहले मैंने आप सभी को रिपोर्ट भी किया था कि इसकी हिंदी डब की रूमर्स निकल के आ रही है। तो अब जाके मुझे इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन मिल चुकी है और आपको इसकी हिंदी डब की सभी एपिसोड है वो करेंसी रोल पर देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। तो हमारा अगला अपडेट है हडसन हॉक मूवी से, जो एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी है जिसकी राइट्स को नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक्वायर किया है, जिसका मतलब है कि आपको इस मूवी की हिंदी डब या फिर हिंदी सब देखने को मिल सकता है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स इंडिया में 1 अप्रैल को देखने को मिलेगी। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफी दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि लूथर सीरीज हमें हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसकी मूवी तो हिंदी में आ रही है नेटफ्लिक्स पर। तो उन सभी को बता दूं कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर करीब 2 ही कंट्रीज में अवेलेबल है, जहाँ ये सीरीज करीब 3 लैंग्वेज में डब्ड है, जो है फ्रेंच, इटालियन और जर्मन। और अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इन दोनों कंट्रीज के अलावा किसी अदर कंट्रीज के लिए राइट्स को एक्वायर नहीं किया है, जिसका मतलब है कि आपको नेटफ्लिक्स इंडिया पे इसकी हिंदी डब वर्जन वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप इस मूवी को डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग रखी गई है, जिसका मतलब है कि आपको इस मूवी को देखने के लिए इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी हो, आप इस मूवी को चाहे तो इस फ्राइडे को चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया पे हिंदी डब में। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।